नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। अबकारी विभाग की छापेमारी में खबर की हुई पुष्टि। आबादी से दूर नदी के बीच लगे झाड़ झंकार में सुलगती अवैध शराब की भट्टियां। डिंगी पर सवार जान जोखिम में डाल 300 रुपए दहाड़ी के लिए पहुंचते मजदूर। वीडियो वायरल होने और खबर चलने के बाद मची खलबली। बलिया के सिकंदरपुर में एक्शन में अबकारी विभाग छापेमारी से अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर से। एक दिन पूर्व तक सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में धधक रही अवैध शराब की भट्टियों और बिक्री पर पल्ला झाड़ने वाले झूठ का गुरुवार को आबकारी विभाग ने कलई खोल दी। उप आबकारी आयुक्त आजमगढ़ और जिलाधिकारी बलिया के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी बलिया के नेतृत्व में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लीलकर और कथौड़ा में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब और लहन को बरामद कर नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से जहां शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया, वहीं स्थानीय पुलिस का चेहरा भी बेनकाब हो गया। दबिश के दौरान मौके पर लगभग 400 किलोग्राम से अधिक लहन नष्ट किए जाने की सूचना है, जबकि सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही दो अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया। बता दें कि सरयू नदी का क्षेत्र हमेशा से अवैध शराब, गांजा, हीरोइन और पशु तस्करी के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा है। आबादी से दूर नदी के बीच लगे झाड़ झंकार की वजह से काम और आसान हो जाता है, लिहाजा कारोबारी बिना किसी व्यवधान से अवैध धंधों को संचालित करते हैं। इस अवैध कारोबार को पुलिस का संरक्षण सोने पे सुहागा साबित होता है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद, कथौड़ा, सीसोटा, लीलकर और डूहा में अवैध शराब की दर्जनों भट्टियां संचालित की जा रही है। इन भट्टियों से रोजाना हजारों लीटर शराब इधर से उधर भेजी जाती है। यह महज इत्तफाक नहीं अपितु पूर्ण नियोजित तरीके से किया जाता है, जिसके बदले संबंधित थानों को मोटी रकम चुकाई जाती है। कथौड़ा गांव के सामने सरयू के अथाह जलधारा के बीच स्थित टापुनुमा स्थान गोरखधंधियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाना है। कथौड़ा घाट से करीब 2 किलोमीटर दूर नदी क्षेत्र में 7 से 8 फीट ऊंचे सरपतों के बीच बनाई गई करीब 30 अवैध शराब फैक्ट्रियां तक पहुंचना काफी कठिन और जोखिम भरा है। बरसात और बाढ़ के सीजन में यह और भी दुष्कर हो जाता है, पर सरयू की लपकती लहरों के बीच इस दुर्गम स्थान पर कारोबारियों का प्रतिदिन आना जाना होता है। डेंगियों के सहारे कच्ची शराब बनाने वाले 300 रुपए दिहाड़ी के लिए जान पर खेलकर वहां पहुंचते हैं और पूरे दिन काम कर ढलते सूर्य के साथ माल लेकर वापस आ जाते हैं। यह सिलसिला रोज का है। नदी के दियारा में चले इस अवैध कारोबार का वीडियो सामने आने के बाद जो हकीकत सामने आई है वह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। तो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कहना था कि वसूली संस्कृति के आसपास के गांव के आबोहवा खराब कर दी है। पुलिस का भरपूर समर्थन होने के कारण कोई इनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाता है। वायरल वीडियो पर आबकारी टीम की कार्रवाई ने मुहर लगा दी है। दबिश कार्रवाई टीम में आबकारी निरीक्षक विनोद साव, दिनेश कुमार, मनोज कुमार एवं प्रदीप मौर्य के अलावा जनपद के सभी अपराध निरोधक क्षेत्र से प्रधान, आबकारी सिपाही व सिपाही मौजूद रहे। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए सिकंदरपुर से गौहर खान की रिपोर्ट।